आप सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, ये जो आज के आयोजन का शीर्षक लिखा हुआ है वर्षा उत्सव, बहुत सुंदर लगता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति उत्सव मनाती है। जब आसमान से बूंदे धरती को स्पर्श करती हैं, तो प्रकृति का उत्सव आरंभ हो जाता है। वैसे हमें कभी फुर्सत नहीं होती है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें और अंदर का दृश्य देखते रहें या बाहर का दृश्य देखते रहें। हम इतने खप्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, इन सब का अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बाहर के दृश्य को देखिए। ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि कितनी सुंदर है। धरती पर नदियां, पहाड़, झरने, जंगल, वनस्पति, फूल, पक्षी, ये कितने सुंदर हैं सब। इस सुंदर प्रकृति को, सुंदर सृष्टि को जिसने मनाया है, वो कितना सुंदर होगा। मुझे तो लगता है कि इस प्रकृति को बनाने वाला जब अपने आप को देखना चाहा था, तो इतनी सुंदर प्रकृति बनाई उसने। लेकिन वो विधाता, ईश्वर, भगवान, आप उसे कुछ भी कह लें, वो अपने आप को सुनना भी चाहता है। जब वो अपने आप को सुनना चाहता है, यानी स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। यूं तो पूरी प्रकृति में अभिव्यक्त हो रहा है, इसके सौंदर्य में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अपने आप को सुनने की जो एक प्रक्रिया है, इसलिए उसने इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कुछ विशेष लोगों को भेजा है कि उनके माध्यम से वो अपने को अभिव्यक्त कर सके, सुर से, ताल से, संगीत से, नृत्य से अभिव्यक्त होना चाहता है ईश्वर। इसलिए अनेक विभूतियों को धरती पर भेजा है, और उन्हीं में से एक विभूति, एक विद्वान संगीत मार्तंड आचार्य पंडित अनुपम राय हमारे बीच है। हम साधारण सामान्य आंखों से जब देखते हैं, एक पक्ष इनका संगीत का, गायन, वादन, नर्तन का, एक पक्ष देखते हैं साहित्य का, एक पक्ष देखते हैं दर्शन का। अखंड विद्वान जिसे कहते हैं, जिस विषय पर बात करना चाहें, जिस विषय पर आप जानना चाहें, उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। घंटों हमारी चर्चाएं होती हैं, लगता है कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जितना ज्ञान है, आचार्य पंडित अनुपम राय के मुखारविंदु से अभिव्यक्त होता है, मुखरित होता रहता है। संगीत तो अलौकिक जगत में हमें ले जाते हैं, जैसे लगता है जब इनका गायन या वादन आरंभ होता है, तो हम इस दुनिया में नहीं, किसी अनोखे संसार में पहुंच जाते हैं। जब इनके पास इतना कुछ है, इन्होंने अनेक विषयों पर शोध किया है, 50,000 से अधिक कंपोजिशंस की हैं, और स्वागत योग्य है। इतना कुछ करने पर अगर हम ये कहें कि बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत जगह से इन्हें पुरस्कृत किया गया, तो बड़ी सामान्य सी बात होती है। फिर भी इन अलंकारों का वर्णन जरूरी है, क्योंकि जो इनकी कला से, इनकी विद्वता से मुग्ध हुए हैं और जिन अलंकरणों से सम्मानित किया है, उनका उल्लेख हम जरूर कहेंगे। इन्हें तबला विजर्ड की उपाधि मिली है। ये हमारा विषय है, आपका विषय मेरे बाद आएगा। एक बात, संगीत मुझे 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 पहले कहने दीजिए। हम सब लोग, अभी हमारे मित्र आनंद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ईश्वर ने जो ये प्रकृति बनाई है, इसमें इतना अनंत ज्ञान दे दिया है कि हम लोगों की आयु जो है, उम्र बहुत छोटी है। इसलिए क्या पाया ये जरूरी नहीं है,
अभी क्या पाना है वो जरूरी है। बात सुन, तो जो पाना है उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये दुआओं से ही इल्म मिलता है। हमने देखा है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को देखा है, बहुत रियाज करते थे। कुछ कलाकार तो ऐसे भी है देखा जो 24 घंटे में 21 घंटे रियाज करना, लेकिन उनको रियाज करने का गुमान था। वो जो गुमान था उसने दुआ नहीं लेने दी, तो वो जो रियाजत थी उसका उनको वो फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए सबसे आशीर्वाद, सबसे दुआएं, हम तो अपने अपने से छोटों से भी कहते हैं कि हमको भैया आशीर्वाद दो कि जीवन के अंतिम श्वास तक विद्यार्थी रहे। और ये कोई नाटकीय बात नहीं है, क्योंकि हमारे कलाकार बिरादरी में लोग बहुत बोलते कुछ हैं, होते कुछ और हैं अक्सर, पर वो कुछ और होता है। पर ऐसा नहीं है, जो मुझे जानते हैं करीब से उनको पता है कि मैं विद्यार्थी की तरह रहना चाहता हूं, और आप सबका आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे जिससे कुछ सेवा कर सके संगीत की, बस। और जो काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ किसी के समझ में आएगा, किसी ने कुछ सम्मान दे दिया, कहीं माला पहना दिया, ये तो होता ही रहता है। तो इसलिए उसका उल्लेख करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम विद्यार्थी हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी ऐसा ऐसा है बड़प्पन, इसी को बड़प्पन कहते हैं कि विद्यार्थी बने हैं, अर्जित करना चाह रहे हैं। हम तो कामना करते हैं पूरे देश का हर व्यक्ति ऐसा ही विद्यार्थी बन जाए, पूरा देश गुणी और विद्वान हो जाएगा। पंडित जी ने वाकई बहुत अर्जित किया है और निरंतर अर्जित करते हैं। मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा है, एक तरह से इनको ट्रांस में जाते हुए देखा है। जब जब मुझे किसी विषय में आवश्यकता होती है जानने की, जब मैं कहीं लिखने पढ़ने में फंस जाता हूं तो इनके पास बैठता हूं, पंडित जी हमें ये चाहिए, बड़ा गौर सा कहीं कठिन सा जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, अचानक शुरू हो जाते हैं, ये लिख लो, ये ऐसा है। तो हम अगर वर्णन करें तो अपने आप में एक पूरा कार्यक्रम है पंडित जी, हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ कहेंगे पंडित जी के का तबला वादन प्रस्तुत हो और साथ में कुछ शब्द कहेंगे, वो उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। साथ में है संदीप मिश्रा, सारंगी पर बहुत गुणी सारंगी वादक है, पंडित जी के शिष्य उनके पुत्र अनुरत्न यहां बैठे हैं, कुलदीप सिंह जी यहां पधारे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं यहां आए और पंडित जी को पुष्प भेंट करें। कुलदीप सिंह जी मशहूर संगीत निर्देशक, बहुत सारी फिल्मों में आपका संगीत कर्णप्रिय और स्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह जी। पंडित जी इतने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, इनके संगीत में, इनके गायन में, इनके वादन में वो सरलता सौम्यता। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सिंह।
इनके संगीत में झलकता है पंडित जी के। आज हम सभी का सौभाग्य है संगीत मार्तंड आचार्य पंडित अनुपम राय हमारे सामने मंच पर हैं और तबला वादन से हमें आनंद लोक में ले जाएंगे। हम चाहते हैं एक बार पंडित जी तो कहते हैं आशीर्वाद मिले हमें, हम कहते हैं इन्हें हम प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करना चाहेंगे। अभी ये दोनों बच्चों ने बहुत सुंदर संगीत प्रस्तुत किया। संगीत संग गीत अक्सर होता है कि एक आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं पर दोनों अलग धारा में अपना अपना काम कर रहे हैं। संग गीत कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सगे भाई हैं तो संग रहेगा ही, लेकिन बड़ा सुंदर वातावरण बना, इन लोगों ने बनाया और थोड़ा सा मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि संगीत जिस रूप में हम लोग देखते हैं उसके पीछे उसकी उसके गर्भ में जो नाद ब्रह्म की आत्मा है ना, वही उससे जोड़ती है। और जब कभी ये जिसको ट्रांस कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो स्टेज जब आए, वो वक्त कभी आए, तो समझ जाना चाहिए कि हम अब साधना की स्थिति में आ रहे हैं। धीरे धीरे सुनना सुनाना ये एक स्टेज है, उसके बाद फिर आप खुद से अपने को कनेक्ट करते हैं और फिर वो कहीं और ले जाता है। थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में तीन ताल प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ कलाकार बंधु भी हमारे बैठे हैं, जो थोड़ा बहुत
आपकी सेवा मैं बजाऊंगा, थोड़ा आपको सामने उसके बारे में कहूंगा, तो आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं। एक बात और बता दूं, ये संदीप, इनके पिताजी संतोष मिश्रा जी मेरे साथ 650 प्रोग्राम में उन्होंने बजाया है और आज मेरे साथ सोलो में ये आज पहली बार में।
तबला तबले की भाषा में सबसे पहले पेशकार बजाया जाता है। तो जब आप लोग बजा रहे थे तभी मेरा मूड बन गया था कि पेशकार का की एक अपनी वाणी है, धी कृदंता धाधंता तिद्धागधा, उसके कुछ खास बोल हैं। पर ये इनाम अली खान साहब का ऐसा पेशकार है दिल्ली का कि जिसमें धी कृदंता नहीं बचता, धा धा तित धा तित धा धा धीना, तित धा तित धा धा धीना, तित धा गधा धीना, धा तित धा धीना, धा तित धा धीना, ता ता तित। ये पेशकार। और हम तो विद्यार्थी आदमी हैं, तबले को गायकी की तरह समझते हैं, तो कोशिश ये होगी कि वो जो दूसरे आजकल फैशन का तबला है कि धीक दिनता शुरू हुए गिरा धागे 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 धागे, ये सब नहीं। ब्राह्मण की औलाद है तो ब्राह्मण का ही बच्चा होना चाहिए ऐसा।
छोटी सी बात है, इसकी भाषा देखें, क्रघे न धाति धागे न, ये कायदा है फरुखाबाद का, लेकिन इसमें बानी अजराड़े की है, चलन फरुखाबाद का है। क्रघे न धाति धागे न धाति धागे तीना, क्रघे नाना क्र धाति धागे न धाति धागे तीना गिना।
रहा हूं, गत कायदा है। कायदा अब हिंदुस्तान में दो एक को याद है। हाँ, एक दफे तबला महोत्सव कराइए। हाँ हाँ, फिर तबला सुनाते हैं और सुनते हैं। धागे तिरकर धंधा घेड़े तक धिंग धीना गिना तक घेदड़ तक घेता कतिर, छोटी सी बात है लेकिन तक घेदड़ तक घेता कतिर देना गिना। हाजी विलायत अली खान साहब है। Thank you.
एक दो गतें सुना रहा हूं आपको। वर्षा उत्सव है, इसको कहते हैं तिधारी गत, हर बोल तीन तीन बार इस्तेमाल होता है। वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के जीव निकलते हैं, उनकी अलग अलग साउंड्स होती है, तो ध्यान दीजिएगा। तक तक तक, घेनक घेनक घेनक, मैं उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत लंबा होगा, आपको साउंड से समझ में आ जाएगा। तक तक तक, घेनक घेनक घेनक, तकित तकित तकित, धान धान धान, धागे न धा धागे न धा, धागे न धा धागे न धागे न धागे न, तक धिन तक धिन तक धिन, तक तक तक, तिन तिन तिन, तक धिन तक धिन तक धिन। अब धीरे धीरे हाथ गर्म हो रहा है, जब गर्म होगा तब टाइम हो जाएगा। सिंघावलोकन परन के नाम से इसको विद्वानों ने जाना। घड़ी घने के धा, देखिएगा मिजाज, Thank you.
रचना सुना रहा हूं, इसमें देखिएगा नायक और नायिका इनका प्रेम घिन तलान धा धा गगन नक देना घिन तलान धा धा गगन नक देना कतक दिन में धगते कतक देना धत धत तक धत धगते कतक घिन हम धत कर दाते धत कर देते कर दाते धत कर देते कर कतक गगते कतक गगते घिन हम धन तक घिन धत दादा दी ना धागे ना धाते दादा दी ना धागे ना धाते दादा दी ना धा. देखिएगा इसका मिजाज. चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान में बहुत लोगों ने तबला बजाया और जिनको ट्रिब्यूट दे रहा हूं वो मेरे कोई नहीं थे, न मेरे गुरु थे न मेरे कोई रिश्तेदार थे, लेकिन एक ईमान की बात है. पंडित शांता प्रसाद जी गुदई महाराज जी, बहुत लोगों ने तबला बजाया लेकिन लोगों ने बहुत बहुत तबला बजाया. मैं ये नहीं कहूंगा जितना तबला उन्होंने बजाया, लेकिन जैसा तबला उन्होंने बजाया वो न कभी बजा न कभी बजेगा. उनको एक उन्हीं का बोल है, उससे उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं. धातिक दिंगिन धातिक न धातिक तिंगिन, दो है बोल, बहुत लोग बजाते हैं, पर देखिएगा इसका निकास.
का बर्ताव पर मैं आया, ये पंडित किशन महाराज जी का ढंग था, बोल यही था, वो अलग लेकिन बर्ताव फर्क। आपको सुना रहा हूं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेयर हो चुकी हैं, रेयर बिल्कुल लगभग लुप्त प्राय हो चुकी हैं। कत्त देखे तक नल 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 तक देखे तक गतिगन दिन 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 ना 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 तक 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 दिन 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 घटक घटक दिन 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 धतक देखे तक गतिगन। इसके दर्जे हैं, ये पंडित कंठे महाराज जी की चीज है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले इसकी एक गत बजाता हूं, फिर लच्छा।